नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे और ठंड ज़्यादा पड़ रही है, सो आप लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, पिछले दिनों हमारे कुछ पेंशन एक्टिविस्ट साथियों की मुलाकात भारतीय मजदूर संघ के ऑफिस में हुआ था और उसमें एनओबीडब्ल्यू के जनरल सेक्रेटरी श्री मनमोहन दास ने यह कहा था कि हम आपकी मीटिंग का अर्जमेंट श्री गिरीश आर्या जी, जो फाइनेंशियल सेक्टर के इंचार्ज हैं, उनसे करने के लिए, और ये मीटिंग 20 दिसंबर को श्री गिरीश आर्या जी से मुलाकात हुई। द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द डिलेक्शन मेट श्री गिरीश आर्या जी: श्री अनिल चौधरी, कैनरा बैंक; श्री अनिल कुमार गोयल, कैनरा बैंक; श्री धर्म सिंह जी, बैंक ऑफ बड़ौदा; श्री जुगोल किशोर जुल्का जी, कैनरा बैंक; श्री राजेंद्र जी, बैंक ऑफ इंडिया; एंड श्री रजनीश कुमार त्यागी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया; एंड श्री संतोष कुमार फ्रॉम पीएनबी; और श्री आरसी अग्रवाल। द मीटिंग वॉज स्टार्टेड राइट एट 1:30 PM इन अ वेरी कॉर्डियल एंड द प्लीजिंग मूड। एट द वेरी ऑपसेट श्री गिरीश आर्या जी सेड व्यूज ऑन आवर इश्यूज ऑफ पेंशन अपडेशन ड्यूरिंग हिज डिलिबरेशन एंड ही नरेटेड हिज अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ आवर इश्यूज। वी ऑल वेयर वेरी मच कन्विंस्ड with depth of the knowledge regarding our issues. He told us that he had taken bank pensioner issues with the prescribed authorities at appropriate level. He has not left his hammering on our issues. He is continuously in touch with authorities on our concerns. He assured us of his wholehearted support and efforts for the cause and good results. After hearing him on our issues, we are left with the no question to be asked. He reiterated of his guidance and persuasion. Jugol Kishor Julka, Anil Kumar Goyal and myself handed over pensioner memorandum to him. The delegation was very much convinced and satisfied with the outcome of the meeting. And the meeting ended with a satisfactory note. Aur hamare saathiyon ne ye bhi request kiya ki is delegation ko FM se time arrange karke meeting ki baat ho, ताकि हमारे जो बैंक पेंशनर के इश्यूज हैं उनका कोई एंड फ्रूटफुल आउटकम आ सके। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।